देखिए, तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्लूइड के बारे में, उसमें भी दो पार्ट रहेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका हाइड्रोस्टैटिक। ओके, पहला पार्ट क्या रहेगा? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो मतलब विच रिलेट विद द वॉटर, विच रिलेट विद द लिक्विड, ठीक है। और सेकेंड मतलब क्या है? हाइड्रो ही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनेमिक लिखा है। तो स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, तो हाइड्रोस्टैटिक। और यहां पे फ्लूइड क्या करेगा? मोशन करेगा। तो फ्लूइड यानी हाइड्रो से रिलेट कर सकते हो, और डायनेमिक मतलब जो मोशन कर रहा हो, जहां वेलोसिटी का कैलकुलेशन हो। यहां रेस्ट में है तो एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। यहां क्या रहेगी? यहां पे आप पढ़ेंगे वेलोसिटी। ओके, तो यहां पे रेस्ट में है सो नो वेलोसिटी रिक्वायर्ड, और यहां पे फ्लूइड एट मोशन सो देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर। ओके, तो इतना बेसिक क्लियर है सबको, क्या क्या पढ़ने वाले इसके बारे में आइडिया सबको क्लियर हो गया होगा। तो हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड एट मोशन। नेक्स्ट, इसमें काफी डिटेल हमें पढ़ना है, तो हाइड्रोस्टैटिक में काफी सारा हमें पढ़ना है, मतलब इतना पढ़ना है कि इस चैप्टर को आप अगर बात करें तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। अगर हम डेरिवेशन की बात करें, अगर हम थ्योरी की बात करें, और जितने भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको अगर कवर करें तो 15 से 20 दिन ये चैप्टर आराम से ले लेगा। इसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसी कई सारे बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट इस टॉपिक में हमको नए तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक पढ़ना है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड एट रेस्ट, डन। फ्लूइड क्या रहेगा? यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, तो उसका हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, और सेकेंड हम पढ़ने जाएंगे इसके सरफेस टेंशन के बारे में। तो ये ओल्ड सिलेबस का था टॉपिक, ये जो भी है ये ओल्ड सिलेबस का टॉपिक है, और ये आपका न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस का टॉपिक है। तो आप जो भी पढ़ने वाले हो, न्यू एंड अपडेटेड पढ़ने वाले हो सबसे पहले, और उसके बाद ओल्ड सिलेबस का जो सिलेबस रहेगा वो सरफेस टेंशन का रहेगा, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं कि प्रेशर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। उसके बाद एटमोस्फेरिक प्रेशर, सबको पता होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि क्या होता है, आउटसाइड प्रेशर कितना होता है, 1.015 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है नंबर थर्ड एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक, डन, देन पास्कल लॉ, ओके। और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे हम, हाइड्रोलिक लिफ्ट और साथ ही साथ हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, डन। और बाद में हम मेजर करेंगे कि प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो बैरोमीटर यूज करते हैं और मैनोमीटर यूज करते हैं। बैरोमीटर और मैनोमीटर दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसने बताया था ये? टॉरसेली ने बताया था, टॉरसेली ने बताया था, ठीक है, याद रखना। प्रेशर के बारे में अगर आपको बोला तो किसने इंस्ट्रूमेंट बताया बैरोमीटर? टॉरसेली। उसके बाद सरफेस टेंशन में आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट हमें कवर करना है। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों? प्रेशर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक स्क्रीन पे कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, और प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, और यूनिट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर किसी फ्लूइड का, ठीक है, प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड, मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर प्रेशर तो हमें पता है, आपने बताया था फोर्स इक्वल टू पा होता है, मापा बिल बीवी क्यू एक क्यू, उसमें से एक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू पा। तो फिर प्रेशर क्या होगा सर? फोर्स अपॉन एरिया होगा, और उसका यूनिट क्या होगा, ये आपको पता है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट आपको आ गया, यहाँ पे जो भी होगा सिमिलर ही रहेगा, बट हमको बताना पड़ेगा कि लिक्विड रेस्ट में है। तो प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड क्या होगा, डेफिनेशन सिमिलर डेफिनेशन रहेगी, जैसा आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है वैसा ही होगा, बट जो फोर्स होता है यहाँ पे वो होता है थ्रस्ट। थ्रस्ट को ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स या तो नॉर्मल फोर्स, याद रहेगा सबको, थ्रस्ट
पर यूनिट एरिया। ये देखो वर्डिंग में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बोलते सर थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट ही फोर्स है आपका, जब थ्रस्ट बोलता हूं तो परपेंडिकुलर फोर्स बोलता हूं, बस इतना ही। थ्रस्ट मतलब ऐसा फोर्स जो लिक्विड एग्जर्ट करता है परपेंडिकुलर, ठीक है। कौन लगाता है फोर्स, लिक्विड लगाता है। इसका एक और नाम आपने सुन के रखा होगा थ्रस्ट का, अपथ्रस्ट पड़ा होगा, ठीक है। इसका अगर मैं बड़ा नाम लू तो अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट यानी ऐसा, ये ऊपर की तरफ, ये आपका फ्लूइड हो गया कंटेनर में, ठीक है। ये कंटेनर में आपका क्या हो गया, फ्लूइड हो गया, ये अपथ्रस्ट। और इस फ्लूइड का वेट क्या होगा, mg नीचे की तरफ, तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या हो गया, mg। डन। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एपरेंट वेट के बराबर होगा। तो ये सारी चीजें आपको आने वाली है, एक ही बार में मैं नहीं बताऊंगा सारी चीजें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला। तो अभी तो मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो अपथ्रस्ट तो क्लियर हो गया सबको, कैसा फोर्स है, कौन लगा रहा है, सर लिक्विड लगा रहा है, ठीक है। तो लिक्विड की बात चलेगी, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी उसी फॉर्मेट में रखेंगे। तो कहेंगे द नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम होता है नॉर्मल, ठीक है। द नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है बच्चों, नॉर्मल फोर्स यानी कि एफ एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, ठीक है, एग्जर्टेड बाय फ्लूइड। कब, हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो ना, तो एट रेस्ट बोलना पड़ेगा। इतना क्लियर है, ये फोर्स का बड़ा नाम है, ठीक है। किस, एक बार और क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड। डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बोलना फोर्स पर यूनिट एरिया, ये डेफिनेशन है। आपको एक मार्क चाहिए ना पेपर में, तो आपको स्टेट बोर्ड में ऐसा लिखना पड़ता है, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट। वन मोर टाइम, एट रेस्ट, ओके, यानी हाइड्रोस्टेटिक चल रहा है इसीलिए। उसके बाद क्या होगा, ये पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया किसका होगा, ये कंटेनर के सरफेस का। ये अगर कोई बर्तन है, कोई वेसल है, तो इस वेसल के सरफेस एरिया होगा ये। तो हम बोलेंगे फ्लूइड एट अ रेस्ट पर यूनिट, कौन सा सर, ये वाला, ये सरफेस एरिया। तो पर यूनिट सरफेस एरिया, अब ये कोई वेसल है, वेसल के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, कोई बर्तन है तो उस बर्तन के साथ में ये कांटेक्ट में है, तो हम कहेंगे पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कैपिटल ए की बात चल रही है, ऑफ कांटेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। तो चलो डेफिनेशन तो हो गई सर, अब फॉर्मूला भी बता दीजिए। तो बच्चों आपको दो मार्क लेना है ना पेपर में, तो ऐसा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले लिखो डेफिनेशन, उसके बाद लिखो फॉर्मूला, उसके बाद यूनिट, और उसके बाद रहेगा आपका डायमेंशन। तो जो जो चीजें है यहाँ पे वो सब बेसिक थी। अब हमें फ्लूइड के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो हमें हर एक चीज को पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रेशर जो है वो क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये याद रखना है, ये फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसी का एक और नाम है अपथ्रस्ट, ओके। नेक्स्ट हो गया फॉर्मूला, अब यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों प्रेशर के ना बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारे यूनिट है, मुझे जो जो याद है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो पूरे ही बताने वाला हूँ आपको, लेकिन जो जो मुझे पता वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला यूनिट, इस यूनिट को देखो, ये फॉर्मूले को देखो, तो आप बोलेंगे सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहला यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और दूसरा पास्कल लॉ पढ़ा है ना, तो आप बोलेंगे सर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही मतलब होता है पास्कल। चलो ये भी सही बात है, इतना चलेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और है साइंटिस्ट जिसका नाम है टॉर्सेली। टॉर्सेली ने ये इंस्ट्रूमेंट निकाला है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो टॉर्सेली ने जो इंस्ट्रूमेंट निकाला है उसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है बच्चों, प्रेशर मेजर करता है। तो दो यूनिट आपके सामने है, एक है टॉर्सेली का टॉर और दूसरा बैरोमीटर का बार। बैरोमीटर का बच्चों क्या, बार। बार भी एक प्रेशर मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। टॉर और बार में रिलेशन होता है, वो बाद में देखेंगे। एक लास्ट यूनिट रह गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इतने तो है, और एक ए बी सी डी, टॉर्सेली, बार, पास्कल, किसी को याद है एक और यूनिट रह गया है,
पास्कल होता है, टॉर होता है, बार होता है। हाँ बराबर, ठीक है मुझे याद आ गया। एटीएम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक, डन। तो इतने यूनिट हमें पता होना चाहिए। आएंगे सबको इतने यूनिट याद रहेंगे? अपने काम के कितने यूनिट है फिजिक्स में, कितने काम के? सर ये तो बहुत काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, और बाकी की ये केमिस्ट्री में काम आते हैं, ठीक है। कहाँ काम आते हैं? केमिस्ट्री में काम आते हैं। तो केमिस्ट्री में जब एक काम आते हैं तो इनका रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो 760 टॉर मतलब एक बार होता है। कितना बार होता है? एक बार होता है, एक बार, हजार बार नहीं, एक ही बार। कितना? 760, 760 रहेगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये एमकेएस हो गया, सीजीएस की बात कर लेते हैं। तो ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन डाइन का और इनका आपस में रिलेशन होता है अकेला न्यूटन, 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 याद रहेगा न्यूटन, मैं न्यूटन को ऐसे पढ़ता हूँ, न्यूटन। ओके, तो कितना होता है अकेला न्यूटन? कितने डाइन के बराबर है? 5 डाइन के बराबर है। तो 10 है तो 5 तो कर ही सकते हो आप, न्यूटन बोला ना मैंने, तो 5 याद रखो, याद ही रखो, बहुत जरूरी चीजें है, ठीक है, रहेगा ना याद आपको। चल क्लियर है यहां तक। और एक चीज, और एक चीज तो रह गई, इंपॉर्टेंट चीज रह गई, ये जो बच्चों प्रेशर होता है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये जो प्रेशर लगता है किसी भी कंटेनर में, जैसे मैं बात कर रहा हूं इस कंटेनर में पानी भर के रखा है हमने, तो यहाँ पे प्रेशर कैसे लगता है? हर एक एंगल पे, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, समझ गया सबको? प्रेशर कैसे लगता है? नॉर्मल टू सरफेस। अगर प्रेशर नॉर्मल टू सरफेस लगता है तो प्रेशर का सभी जगह पे डायरेक्शन क्या है? एक ही जैसा है। तो अगर एक ही जैसा डायरेक्शन है तो उस चीज को हम किस में काउंट करते हैं? उस चीज को हम काउंट करते हैं स्केलर, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ओके, तो ये याद रखना, सारे चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और होता है हेक्टा पास्कल, किसने बताया भी था तो बता देता हूं मैं यहाँ पे। डेका का मतलब 10 होता है, हेक्टा का मतलब 100 होता है। तो आप बस पास्कल याद रखो, हेक्टा पास्कल आ गया तो आप कर सकते हो सॉल्व आराम से। और एक चीज, बार वगैरह का रिलेशन याद रखना, एक बार का मतलब होता है 5, एक बार 5 बार, जैसे याद रखना वैसे याद रखना। तो ये सारी चीजें बेसिक बेसिक है, इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं रखेंगे ना तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी आप, तो मैं तो बोलूंगा इसको याद कर लो अभी के अभी, ठीक है। तो बेसिक क्लियर हो गया सबको। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था? बस यही पढ़ना था, और भी जो थ्योरी है जो काम की नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, बट जो काम की है पहले ब्लैक स्क्रीन पे आप देख लीजिए, जितनी भी चीजें काम की आप ब्लैक स्क्रीन पे देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो बताइए। प्रेशर का जनरली मैं यही बोलता हूँ कि फोर्स अपॉन एरिया ही याद रखो, आपका इससे फायदा हो जाए। अच्छा, अब देखो यहां पे एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, ठीक है, और एक फॉर्मूला मैं डिराइव कर देता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। अभी डायग्रामेटिकली हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका पहला टॉपिक था प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, ठीक है, प्रेशर इन अ लिक्विड कॉलम, हमारा यही तो टॉपिक था आपका। तो प्रेशर एग्जर्टेड, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक था, उसी को तो हमको पढ़ना है। बेसिक प्रेशर पढ़ लिया ना आपने, वो बहुत हो गया। अभी देखिए लिक्विड कॉलम, अभी किसी वेसल के अंदर मैंने क्या करना है? तो वेसल के अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रख दिया, मैं उसके अंदर के प्रेशर की बात करूंगा, ठीक है। तो ये ऊपर का जो सरफेस है, जैसे कि मैं ये बात करता हूँ कि ऊपर का जो सरफेस है ये वाला एयर है, यानी एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक समझ गया सबको, ये आउटसाइड प्रेशर है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर। और अंदर में क्या है, लिक्विड ले लेता हूँ, लिक्विड के नाम पे कुछ भी ले सकते हो, वाटर वगैरह जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे लिक्विड ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर में मैंने कोई कंटेनर रखा है, कोई एक वेसल रखा है सिलेंड्रिकल शेप का, देख लीजिए आप। और इसकी एक कुछ हाइट है, इसकी कुछ हाइट है, कितनी हाइट ले लेते हैं,
एच हाइट ले लेते हैं, इस हाइट को आप एल वगैरह जो मन करे वो लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बस मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो। यहाँ पे इस कंटेनर का भी हाइट ले सकते थे आप, बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप बना दिया और बस इसी का मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी पर्टिकुलर इस शेप का ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे प्रेशर कितना हो, ठीक है। और इस लिक्विड का कुछ डेंसिटी होगा, तो मैं आपको कुछ डेंसिटी याद करवा देता हूँ, ये याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ वाटर, मुझे दोनों याद है। पहला डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन सीजीएस 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ठीक है। और वाटर का भी याद रखना है आप लोगों को, जितने मैं बता रहा हूं यहाँ पे ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, स्टेट हो या तो एंट्रेंस हो, याद होना चाहिए ये सब चीजें, कांस्टेंट है, जैसे 9.8 याद रखते हो ना, वैसे इस कांस्टेंट को भी आज याद करना है आपको, कितना बढ़िया यूनिट है 1 ग्राम पर सीसी, और क्या चाहिए आपको, ये इजी है ना। तो ये आपका क्या है, ये सीजीएस है, ठीक है, सीजीएस वाला याद करो या तो एमकेएस, मैं तो एमकेएस वाला याद रखता हूँ, सीजीएस वाला भी याद रहता है। यहां तक ठीक है, डेंसिटी क्लियर हो गया, उसके बाद में आपको रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ाऊंगा, बेसिक पढ़ाने वाला हूँ आज मैं, ऐसा कुछ हेवी लेवल का कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, सब बेसिक बेसिक पढ़ाने वाला। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके डन। देखो तो हमें पता चल गया है, क्या पता चल गया है, कंसिडर अ वेसल फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, या फिर कंसिडर अ कंटेनर फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड सपोज दैट देयर इज अ सिलेंडर। ये क्या है बच्चों, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का एरिया मैं ए बोल देता हूँ, इस सिलेंडर का एरिया मैं ए बोल देता हूँ, और सिलेंडर का जो लेंथ है वर्टिकल है तो बच्चों लेंथ बोलूंगा ना, और अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो हाइट बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल है तो लेंथ बोलूंगा, ये बात ध्यान रखना, कभी मैं एच लेता हूं कभी मैं एल लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको वर्टिकल रखता हूं तो 2πRh लिखता हूं, और अगर हॉरिजॉन्टल रखता हूं तो 2πRL लिखता हूं, एल और एच समझ गया, तो बोलेंगे कभी एल ले रहे कभी एच ले रहे, बच्चों एच कब लेते हैं, हाइट रहेगी वर्टिकल रहेगा तभी तो लेंगे ना, ठीक है। तो सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको इतना पता है कि सर प्रेशर तो अपना फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कौन सा फोर्स है सर, ये अपथ्रस्ट है बच्चों, इस लिक्विड कॉलम में एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उसे कहते हैं फोर्स बाय लिक्विड, दैट इज अपथ्रस्ट, उसे क्या कहते हो बच्चों, फोर्स बाय लिक्विड दैट इज अपथ्रस्ट, मैं इसे यू बोल देता हूं, अगर आपने यू पढ़ के रखा है तो यू, और नीचे में क्या होता है बच्चों, एमजी होता है, एमजी मतलब वेट। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले वेट को बैलेंस कर रहा है, यानी ये मैं बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है लिक्विड के द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स है एमजी के बराबर है, बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। सारा मैथ आपको बताऊंगा यहाँ पे, जितना भी मैथ रिक्वायर्ड रहेगा, जितना भी बेसिक बेसिक सब रिक्वायर्ड रहेगा सब। अच्छा इतना तो हो गया सर, अब इसका मतलब आप यहाँ पे अपथ्रस्ट का ही मतलब आप एमजी लिखने वाले हो, हाँ बिल्कुल यही लिखने वाला हूं, आपको पता है ना फोर्स इक्वल टू एमजी भी होता है, याद आया आपको मैंने बोला था न्यूटन का फोर्स ज्यादा था, अरे न्यूटन का वेट ज्यादा था, इसी बात का उसको टेंशन था क्योंकि उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता था, तो वेट इक्वल टू एमजी, टेंशन इक्वल टू एमजी, फोर्स इक्वल टू एमजी। ओके यहाँ पे एफबीडी बना के भी सिखा दिया मैंने, चलो एमजी लिखो सर जल्दी से। ओके बच्चों लिख लिया, क्या आपको पता है मास का मतलब क्या होता है, अरे डेंसिटी का मतलब बता दो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मतलब मास की जगह पे क्या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ जाएगा, एम इक्वल टू वीरो, देश के वीरो का मास ज्यादा होता है, ऐसा याद रखो, ये ट्रिक भी अच्छी है, वीरो मतलब कौन, देश के वीर,
जो आर्मी वाले रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देश के वीरों का मास ज्यादा होता है, इसका मतलब एम की जगह पे क्या आएगा सर, वीरो, बाकी का एज इट इज। चलो यहां तक ठीक है, ये डेरिवेशन है, मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता सकता हूं आपको, लेकिन मेहनत करा रहा हूं मैं आपसे, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, शॉर्टकट नहीं चलेगा, स्टेट बोर्ड है ये, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू लेंथ। अरे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अरे बात समझ में आ रही है, तो क्या मैं वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ डाल दू, और नीचे में एरिया था ना सर, उससे आप डिवाइड कर दो, आप बहुत लंबा डेरिवेशन हो गया, ए से ए डिवाइड कर दो, ए से ए डिवाइड हुआ है, ठीक है, क्या डिवाइड हुआ है, ए से ए, क्या बच गया, अरे क्या बच गया, क्या आपको फ्लूइड वाला प्रेशर याद रहेगा, फ्लूइड वाला बोल रहा हूं, फॉर फ्लूइड, प्रेशर फॉर एनी फ्लूइड किस पे डिपेंड करता है, आज से याद रखना, थ्योरी आने वाली है बहुत सारी आपकी, तो आज से याद रहेगा बच्चों आपको, क्या सर, प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करता है, यानी जिसकी हाइट ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात, अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, अगर हाइट कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, अगर हाइट कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर सर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। मुझे बताइए बच्चों, इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, आप मुझे बताओ, वैल्यूज आपके सामने हैं, आप मुझे बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है, एमकेएस कंपेयर करना है तो एमकेएस करो, जो कंपेयर करना है वो करो, मुझे बस डेंसिटी बताओ किसकी ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर डेंसिटी तो मर्क्यूरी की ज्यादा है, अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है तो मर्क्यूरी का प्रेशर ज्यादा होगा, बात समझ में आ गई, ओके। एक और चीज, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो थ्योरी स्टार्ट किया आपने, अब देखो कितनी मेहनत है इस टॉपिक में, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं किया ना तो फिर बाउंस होने वाला ही चैप्टर, इसलिए आज का वो जो लेक्चर है ना पूरा बेसिक पे चल रहा है, पूरा बेसिक पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो हाइट पे डिपेंड करता है प्रेशर, और किस पे डिपेंड करता है सर, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। नेक्स्ट, और किस पे डिपेंड करता है, उस प्लैनेट के एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करता है, उस प्लैनेट के स्मॉल जी पे करता है। तो न्यूमेरिकल आपको ये भी आ सकता है, न्यूमेरिकल पे कोई भरोसा नहीं करना, कुछ भी आता है पेपर में तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ और मून का स्मॉल जी का रिलेशन क्या होता है, किसी को याद है, अरे याद है क्या, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, स्मॉल जी अर्थ का और मून का ये रिलेशन होता है, 6 गुना ज्यादा है, 6 टाइम ग्रेटर है अपने अर्थ का मून से, ठीक है, 6 टाइम ज्यादा है, स्मॉल जी का भी रिलेशन होता है। क्या सभी को क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट, अभी के अभी क्लियर कर लो, समझा, क्लियर है तो फटाफट क्लियर करके रिप्लाई करो, ठीक है, अगर क्लियर है समझ गया तो क्लियर करके रिप्लाई करो, ओके। चलिए यहां तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ओके, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, डन हो गया यहां तक। अब देखो इसी रिलेशन से हम कुछ और चीजों को फाइंड करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस पे हमने ये सरफेस हो गया इसका, और आपको जैसा कि मैंने बताया ये आपका एयर हो गया यानी एटमॉस्फेयर, और ये अपना लिक्विड व्हाइट कलर का लिक्विड, जो भी कलर आपको लेना है आप ले सकते हैं, डन हो गया, ठीक है। इसके अंदर में मैंने एक सिलेंड्रिकल वेसल ले लिया, और इस वेसल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी
इस वेसल की ही डिटेलिंग में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें बेसिक बेसिक है, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी बातों पर ध्यान देना। ओके, तो है बात क्या है कि ये जो लिक्विड है इसका ये सरफेस है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कुछ हाइट से हमारे पास, ठीक है, डन। तो इसकी जो हाइट है सरफेस से, मतलब ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक मेरा H2 है, यहां से यहां तक मेरा क्या है H2, ठीक है। और यहां से यहां तक, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये यहां से यहां तक मेरा H1 सरफेस से, हाँ ठीक है, हाइट सरफेस से ही लेना पड़ता है, हाइट हमेशा सरफेस से ही लेना पड़ता है। ओके, डन। और इसकी डेंसिटी भी लिख देता हूं मैं, यहां पे रो ले रहा हूं मैं, ठीक है। लिक्विड का जो डेंसिटी है ये हम क्या ले रहे हैं, रो ले रहे हैं, और इस सिलेंडर का मास मैं एम ले रहा हूं, ठीक है। लैग कर रहा है क्या? अच्छा लैग कर रहा है, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक, हाँ ठीक है। वो मैं चेक कर लेता हूँ लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू एच रो जी, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, नहीं लैग कर रहा है, ठीक है, ऑल क्लियर, लैग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो लैग करेगा तो बता देना बीच में, मैं फिर से बता दूंगा कहां से लैग किया, लैग तो नहीं किया फिलहाल, अभी तो लैग नहीं किया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ ये बात कर रहा था कि नीचे से जो सरफेस है, मान लेते सपोज ये ऊपर वाली सरफेस है पहली सरफेस है, और नीचे वाली सेकेंड सरफेस है, इसकी दो सरफेसेस आपको दिख रही है सिलेंडर की, ऊपर वाली सरफेस को मैं पहला बोल रहा हूं और नीचे वाली सरफेस को मैं दूसरा बोल रहा हूं। तो जो नीचे वाली सरफेस है उसकी हाइट देखो क्या है सरफेस से, आप बोलेंगे सर ये बीकर के सरफेस से H2 है, और ऊपर वाली की बात करता हूं तो सिलेंडर का सरफेस पहला वाला और आपके बीकर या तो कंटेनर का सरफेस ये हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। यहां से लेकर ऊपर तक हाइट कितनी है आपकी, H1 है, चलो ठीक है, यहां तक समझ गया ना, यहां तक समझ गया। तो मैं बोलता हूं कि इस कंटेनर की, सॉरी इस सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट होगी, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी हाइट मिल जाएगी, मतलब ये h मिल जाएगा। बोलने का मतलब मेरा यही था कि ये h, तो यहां से क्या क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है सर पूरा मिला के h1 है, उसमें क्या आ रहा है h भी आ रहा है और h2 भी आ रहा है, यानी कि अगर मैं हाइट फाइंड करूं तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। ये आपको बस मुझे बताना था कहां पे यूज करेंगे, आपको समझ गया होगा p इक्वल टू रो जी एच में आने वाला, ये है टोटल हाइट। तो न्यूमेरिकल में देगा आपको ये सारे जो पॉसिबिलिटीज है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ सारी चीजें न्यूमेरिकल में रहती। चलो स्टार्ट किया जाए आपको, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर मैं मान लेता हूँ ये ऊपर वाला सरफेस है तो पहला वाला वन, और नीचे की बात करता हूं तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होता है, ठीक है, सभी जगह पे एक ही डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा P2, डन। और इसका जो वेट होगा, इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो कहाँ होगा बच्चों, नीचे की तरफ होगा, अरे मानते कि नहीं मानते, इसका जो वेट होगा कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, अरे हाँ या ना, डन। ये बात तो समझ में आ रही है सबको, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे मैं इसको वेट को ऐसा डिनोट कर देता हूँ, और ज्यादा डायग्राम में बना देंगे तो डायग्राम ही ऐसी खराब दिखेगी आपको, तो जितना हो सकेगा पॉसिबल मैं उतना ही बताता हूँ, ठीक है। वेट बता दिया मैंने आपको, उतना सफिशिएंट था, ठीक है, डन। ओके, अब देखते हैं, तो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, अब डायग्राम में सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं, डेरिवेशन स्टार्ट, चलिए स्टार्ट किया जाए इसका टॉपिक, ठीक है।
तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, एक फोर्स होगा प्रेशर, अगर वन है तो हम बोलेंगे सर प्रेशर अगर वन है तो फोर्स भी मेरा क्या होगा, पहला वाला होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। सेकंड की मैं बात करता हूं, सिमिलरली सेकंड वाला भी बात कर लेते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होगा सेकंड के लिए, एरिया तो दोनों का आपको पता ही है सेम ही है, एरिया से अलग अलग थोड़ी ना है, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है, इसका जो भी रहेगा एरिया सेम है, डन, ठीक है, ओके। तो फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबो द सिलेंडर, हम बात करेंगे अभी फोर्स के डायरेक्शंस की, ठीक है, ताकि हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिल सके, तो ध्यान से सुनिएगा, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम अबो द सिलेंडर, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम, इस जो कॉलम की मैं बात कर रहा हूं इसके कारण जो फोर्स लगेगा सिलेंडर पे वो कैसा लगेगा, नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो, मैं वेट किसकी बात कर रहा हूं, मैं कौन से वेट की बात कर रहा हूं, इस वाटर कॉलम की बात कर रहा हूं जो अबो द सिलेंडर है, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम, एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग गलत आंसर बता रहे हैं, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम अबो सिलेंडर, ये सिलेंडर के ऊपर जो फोर्स लगेगा किसके कारण, इस पानी के वेट के कारण, अरे पानी का भी तो कुछ वेट रहेगा कि नहीं रहेगा, पानी का भी तो वेट रहेगा ना, मैं इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस लिक्विड की बात कर रहा हूं, ठीक है, किया प्रॉपर, हाँ अभी आंसर आ रहे हैं बराबर, अभी ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, अभी प्रॉपर आंसर आ रहा है, पहले क्यों गलत हो गया था, आपने क्या किया पता नहीं, कंफ्यूज हो गया था, चलो ठीक है कोई बात, अभी मैंने लिख दिया वो समझ में आया, तो फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम, जो भी यहां पे पानी रहेगा वाटर रहेगा जो भी रहेगा, इसका जो वेट इस सिलेंडर के ऊपर होगा वो क्या होगा, वेट तो सर नीचे ही होता है ना, तो बच्चों फोर्स कहाँ जाएगा, इसका पूरा का पूरा नीचे की तरफ, ठीक है, इस वाटर कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेंडर के ऊपर जो वाटर है ना वो, अब सिलेंडर के नीचे में यहाँ पे पानी है, जो भी वाटर है यहाँ पे, ठीक है, तो सिलेंडर के नीचे में मतलब कि क्या बोल रहा हूं, फोर्स ड्यू टू वाटर, फोर्स ड्यू टू वाटर बिलो द सिलेंडर क्या होगा, बोलो जल्दी से, तो आप कहेंगे सर फोर्स यहां पे नीचे था, फोर्स यहां पे नीचे था, यहां पे जो फोर्स रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है, डन, आई थिंक मुझे लिखना पड़ेगा ये F1 क्या है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं यहां पे ये F1 का मतलब ही लिख देता हूं, जैसा तो मुझे लगा अभी कि आपको ये F1 नहीं पता एक्चुअली क्या है, तो देखिए मैं लिख देता हूं, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम अबो द सिलेंडर, ये बात ध्यान रखिए, अबो द सिलेंडर, अबो द सिलेंडर, कैसा लग रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन टॉप ऑफ द सरफेस, सेकेंड की बात करते हैं, F2, दूसरे फोर्स की बात कर रहा हूं, F2 ड्यू टू
अब ये क्या है, वेट ऑफ वाटर कॉलम अबो द सिलेंडर। अब क्या है, एफ टू ड्यू टू वाटर कॉलम बिलो द सिलेंडर, बिलो द सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर और एक सिलेंडर के नीचे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके पास कुछ एफबीडी बन के रेडी है। क्या है, एक आपने देखा सर एमजी नीचे की तरफ है और एक आपने देखा कि एफ वन भी नीचे की तरफ है, ठीक है। एफ वन कहाँ है, नीचे की तरफ है, और एफ टू क्या है, ऊपर की तरफ है। ये बात तो समझ में आ गई सबको। तो आप कहेंगे सर कि जो ऊपर वाले कंपोनेंट है वो नीचे वालों को बैलेंस करेंगे। तो जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने नीचे वाले कंपोनेंट को बनाया F1 और ऊपर वाले कंपोनेंट को बनाया F2, तो आप कहेंगे कि नीचे वाला कंपोनेंट ऊपर वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। तो ऊपर वाला कंपोनेंट मतलब क्या, F2 इक्वल टू नीचे वाले कंपोनेंट को ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो F2 इक्वल टू F1। इतना समझ गया क्या सबको? ज्यादा मैंने लिख दिया इस बार, थेरी थोड़ी ज्यादा हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये थेरी इस डायग्राम से आई हुई है, अब जब गलत हुआ आपका इसलिए मुझे बताना पड़ा। एक और लास्ट, आपका जो वेट है, इस पूरे पानी का वेट बोल रहा हूं मैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस लिक्विड कॉलम में जो भी वेट होगा वो कहाँ जाएगा। मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, लिक्विड का मास होता है, कुछ ना कुछ तो अमाउंट होता है कि नहीं। तो वेट ऑफ लिक्विड, अब वेट बोला तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, उसमें क्या बताना है आपको। तो वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस बार मैंने लिख दिया ये डाउनवर्ड, आपको पता है कि वेट तो नीचे ही रहेगा। तो वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट इक्वल टू हमेशा 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 mg होता है। ये m क्या है, मास ऑफ द लिक्विड है, ये m क्या है, मास ऑफ द लिक्विड। सारे नाम बताना है कि आपको पता है सबको, ये क्या है बच्चों, एम मतलब मास ऑफ लिक्विड, एम एन है मास ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब देखो कहानी यहां से बढ़ने वाली, आपको भी पता है ये एम को आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ी देर में, अभी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो मैंने इसको चेंज करना स्टार्ट कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होगा, सबने पढ़ा ना स्केलर वेक्टर, वेक्टर एडिशन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि ये F2 इक्वल टू F1 प्लस mg हो जाएगा। पर आपको पता है ना F2 की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, जो भी पता है हमको लिखना है। तो F2 की जगह पे क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1, एरिया रह गया एक सेकेंड, F2 की जगह पे, F2 की जगह पे P2 into area, F1 की जगह पे P1 into area plus M, M मतलब क्या होता है, अभी लिख दो बाद में बताता हूं, M मतलब जीरो वगैरह जो भी होता है वो। तो अभी mg को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट mg में M मतलब आपको पता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, स्मॉल g आ गया, बट वॉल्यूम भी पता है ना आपको क्या होता है, वॉल्यूम मतलब सर एरिया इन टू लेंथ, लेंथ क्या है सर, वर्टिकल है, हाइट है h। अब h1 माइनस h2 भी लिख सकते हो, ठीक है, यहां तक ठीक है। अभी h लिखते बाद में h1 माइनस h2 लिखेंगे। तो h हो गया यहां तक, डेंसिटी अपनी जगह पे, स्मॉल g अपनी जगह पे, तो फाइनलाइज कर लेंगे इसको। तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, p2 into a इक्वल टू p1 into a प्लस m की जगह पे एरिया into h into डेंसिटी into स्मॉल g। चलिए कट हो रहा है कुछ, क्या कट हो रहा है सर, एरिया सब जगह पे है, कट कर दो, एरिया सभी जगह पे है, कट कर दिया हमने, और फाइनल जो फॉर्मूला आपका आ गया, P2 इक्वल टू P1 प्लस H रो G, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्सेस प्रेशर है P1 इक्वल टू H रो G, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं P2 माइनस P1 इक्वल टू, समझा, क्लियर हो गया सबको।
तो मैं एक्स्ट्रा स्टेप मिटा रहा हूँ, जो काम का है बस वो देखो आप, आपके न्यूमेरिकल में क्या क्या रहेगा, वो रहेगा पी टू रहेगा और एक क्या रहेगा पी वन रहेगा, ठीक है। और एच की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, ये वाली टर्म। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।